डुंगडुंग ब्रदर्स किचन में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे अंडा पकौड़ा। उसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। अंडे को सबसे पहले बॉईल कर लेंगे, फिर छील के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। फिर एक बर्तन लेंगे, उसमें कटे हुए अंडे, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और कटी हुई मिर्च मिला देंगे। फिर हल्दी, गोलकी, धनिया, जीरा, लाल मिर्च और लगभग 1 कप कॉर्नफ्लावर, नमक। फिर इसे कच्चे अंडे के साथ मिला लेंगे। मैंने 2 कच्चे अंडे लिए हैं। फिर थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के फिर से मिला लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, फिर उसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तेल के गर्म होने तक हम शेप बना लेंगे। इस तरह सारे शेप बना लेंगे। अब तेल गर्म हो गया है, अब इसमें जो शेप हमने बनाए थे वो डाल देंगे। और हाफ ब्राउन होने तक पकने देंगे। हम दोनों साइड से पकाएंगे। इस तरह सभी को पका लेंगे। पकौड़ा बनके रेडी हो चुका है। इसे हम सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।